मीरा पांडे, मुरादाबाद बरेली नेशनल हाईवे 0 पॉइंट अपनी हवेली के सामने ट्रक से ओवरटेक करने के चक्कर में बाइक का संतुलन बिगड़ गया, जिससे बाइक रोड पर ही गिर गई। पीछे से आ रहे ट्रक की चपेट में आने से 1.5 साल के मासूम बच्चे की कुचलकर मौके पर ही मौत हो गई। इरफान पुत्र लड्डन निवासी नरखेड़ा मुंडा पांडे अपनी पत्नी मुजरेमीन बेटे हुसैन 1.5 वर्ष के साथ अपनी ससुराल ताहरपुर थाना में नरखेड़ से अपने घर जा रहे थे। राहगीरों ने बताया कि 0 पॉइंट अपनी हवेली के सामने ट्रक से ओवरटेक करते समय उनकी बाइक के आगे भैंस आ जाने से इनकी बाइक का संतुलन बिगड़ गया, जिससे इनकी बाइक रोड पर ही गिर गई, जबकि दोनों पति पत्नी डिवाइडर बाइक साइड की तरफ को गिर गए और हुसैन बीच रोड पर ही गिर गया। पीछे से आ रहे ट्रक चालक ने गाड़ी को रोकने का काफी प्रयास किया, मगर हुसैन ट्रक के नीचे आ गया, जिससे उसकी कुचलकर मौके पर ही मौत हो गई। 1.5 साल के बेटे हुसैन की आंखों के सामने मौत हो जाने से पति पत्नी बेहोश हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने इरफान को होश में लाने के बाद में जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि मैं परिवार के साथ अपनी ससुराल से नरखेड़ा जा रहा था कि मुझे पता नहीं चला कि मेरी बाइक रोड पर कब गिर गई। पुलिस ने परिवार वालों का मोबाइल नंबर लेकर सड़क हादसे की सूचना परिजनों को दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने जब 1.5 साल के हुसैन को मृत अवस्था में देखा तो उनका भी रो रोकर बुरा हाल हो गया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए मुरादाबाद भेज दिया है और ट्रक को अपने कब्जे में लेकर पुलिस चौकी दलपतपुर में अपनी निगरानी में खड़ा करा दिया है। पुलिस आगे की वैधानिक कार्यवाही में जुट गई है। कहाँ के निवासी आप? क्या हादसा हुआ यहाँ पर, क्या मामला हुआ? तो अब आया हूँ ना। अच्छा, बच्चे का क्या नाम है उसका? हुसैन नाम है। कहाँ से आ रहे थे वो लोग? ताहरपुर से, नानी के घर से आ रहे थे। नानी के घर से मृत्यु हो गई ना बच्चे की?